लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सूरत देखो इसकी और हरकत देखो, शरीफ बनी फिरती है। कलंक नहीं कहेगी, निकल जाओ। मैं कहती हूँ अब अपनी मनुष्य शक्ल इस गांव में ना दिखाना, शर्म हो तो करे ना मैं तू कर जाने। दुनिया भर की दौलत मिल गई है और तू रो रही है। मुझे माफ कर दीजिए दादी, आज मुझे मालूम हो गया कि घर से भागना और बुजुर्गों का कहना न मानना इतना बड़ा पाप है जिसे न भगवान माफ करते हैं न दुनिया वाले। बेटी लेकिन तुमने तो कोई पाप नहीं किया। अगर दुनिया वाले तो यही समझते मेरे कानों में वो अल्फाज सुने हैं दादी, इनको सुनने के पहले मुझे मर जाना चाहिए था। तुझे दुनिया की क्या परवाह, मैं तेरे लिए अलग दुनिया बनाऊंगा। नहीं डैडी, कसूर उनका नहीं, कसूर मेरी जिद का था। बड़ा अच्छा था वो जमाना जिसमें लड़की सिर्फ दो बार घर से निकलती थी, एक शादी के समय, दूसरे मरने के बाद। ऐसा मालूम होता है तेरे दिल को बहुत बड़ा सपना पहुंचा। अरे तू जानती है बेटी, जब से तू गई है तेरे डैडी ने पेट भर के खाना नहीं खाया। चलो बेटी चलो। अच्छा बहन जी नमस्ते। दावा करते हैं कि आपकी कहानी सच्ची है। मैं
ऑडिटर साहब, कभी कभी इंसान कुछ सोचता है और वो ऊपर वाला कुछ और। खैर, आपके रुपए ये रखे, उम्मीद है आप माफ करेंगे। मगर सुनो तो सही, ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया? इंसान और मुकद्दर को बनते देर लगती, बिगड़ते देर नहीं लगा करती। मोहब्बत अपना काम कर रही थी, नाकामी मुस्कुरा रही थी, थोड़ी सी देर में वो बदल गए। और वो क्या बदले के जमाना ही बदल गया। सागर, ये रुपए ले जाओ। जब कहानी अधूरी रहेगी तो रुपए किस लिए? मुझे यकीन है तुम्हारी ये कहानी जरूर करवट बदलेगी। उस वक्त रुपए ले जाओ। जिद नहीं करते सागर, तुम अभी नौजवान हो और जिंदगी की राह बहुत लंबी है। ऐसी न मालूम कितनी कहानियां आती रहेंगी और जाती रहेंगी। एडिटर साहब, ऐसी रंगीन कहानी फिर लिखना कहां नसीब। सच में दिल के खून से लिखी थी, अब तो खून के बजाय चंद आंसू रह गए। कहीं आंसुओं से कहानियां लिखी जाती। सागर, दुनिया की बेमिसल कहानियां दिल के खून से नहीं, आंसुओं से लिखी गई हैं। मुझे उम्मीद है इस नाकामी के बाद तुम इससे भी अच्छी कहानी लिखोगे। ये रुपए मैं तुम्हें पेशगी दे रहा हूं। विश यू गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू। ये रहा हमारा चोर, इसको अभी पुलिस में दे दो। क्यों नहीं? ओ, आप लोग? जी हाँ, पहचान लिया आपने? बड़े अच्छे वक्त की यादगार है आप लोग। अरे डार्लिंग, चार दिन में ये आदमी कितना बदल गया, जैसे कि चेहरे पर रौनक ही नहीं रही। वो महफिल की रौनक, रौनक लूट कर चले गए। कितनी दिलचस्प बातें करता था, आज बड़ा गमगीन नजर आ रहा है। क्या बात है? मैं खुद सोच रहा था कि इस तरह आप लोगों से मिलूं और ये ऑटो वापस कर दूं। हाँ हाँ हाँ, वापस कर दूं, खटारा बना दिया, वापस कर दूं। हाँ हाँ हाँ, 1000 रुपए निकालिए। क्यों जी, क्या करते हो? बेचारे की सूरत तो देखो। अच्छी बात है, रुपया नहीं मांगता। जाओ, तुम्हें माफ कर दिया। मेरे भगवान ने माफ किया। शुक्रिया, मेरे पास रुपए हैं, लीजिए। लाइए, लीजिए, उठाओ सामान, उठाओ उठाओ। खाने में मैंने जो सुख पाया है, किसी खाने में नहीं पाया। ये बात है। अच्छा तो बेटी, आज से हर खाने पे भूटा होगा। मुझे भी तो दो, देखो। रानी जी पछताएंगी, चने की खाएंगी, रानी जी पछताएंगी, चने की खाएंगे, रानी जी पछताएंगे, चने की खाएंगे, रानी जी पछताएंगे, चने की खाएंगे, रानी जी पछताएंगे, रानी जी पछताएंगे, चने की खाएंगे, रानी जी पछताएंगे। क्या हुआ बेटी? कम हो?
कम्मो, क्या हुआ बेटी? तुम्हें क्या हो गया है? कुछ तो बताओ बेटी, तुम्हें मेरी कसम, कुछ तो बताओ। बताने से गम गम और बढ़ जाएगा डैडी। बेटी, अगर मेरी सारी दौलत भी तेरी मासूम मुस्कुराहट वापस ला सके तो तेरी कसम मैं उफ़ न करूंगा। जिंदगी की चंद खुशियां ऐसी भी होती जो रुपए से नहीं खरीदी जा सकती। मालूम होता है मोहब्बत ने तेरे दिल पर गहरा असर किया है बेटी। ठंडी हवा के झोंके का असर सिर्फ महसूस किया जाता है, ये नहीं बताया जा सकता कि वो क्या असर छोड़ गया। वो बड़ा ही खुशनसीब है बेटी, जितना मैंने उसे दूर रखने की कोशिश की उतना ही वो करीब आता गया। डैडी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ कहो कहो। मुझे समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। बेटी, जो कुछ तू कहना चाहती है मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। खाने पे मैं कुछ कहना चाहता था मगर क्या करो, कह ना सका। ये तो देख बेटी, किसकी शादी का कार्ड है, जरा देख तो। शादी? हाँ हाँ, सुमन के साथ। तो उसे मोहब्बत करती है ना बेटी? तेरी मोहब्बत ने मेरी जिद को जीत लिया। मैं अब ये शादी ऐसे धूमधाम से रचाऊंगा कि सारी दुनिया देखती रहे। बेटी, तुम मुस्कुराओ बेटी। देखो देखो देखो, वो हंसी आई, अब वो कहने लगा। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मैं आज बहुत खुश हूँ दीदी, मैं जानती हूँ आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी का समय वही होता जब उसकी बेटी के हाथ पीले होते। भगवान ने आपको बेटे का सुख नहीं दिया, सिर्फ एक बेटी ही थी। उसने आपको खुशी पहुंचाना तो दरकिनार ऐसी जगह पहुंचा दिया। मैं शादी से बहुत खुश हूँ। तेरी खुशी मेरी खुशी है बेटी, तेरी खुशी मेरी खुशी है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। दोनों की मर्जी। अब मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, शादी का समय बीता जा रहा है। मुबारक हो। कहिए मैडम। माफ कीजिए मैडम, मुझे आपसे कुछ जरूरी सवालात करने हैं। समय गुजर जाने के बाद सवालात का जवाब नहीं दिया जाएगा। चलिए दीदी। ठहरिए, फिर मजबूर होकर उन चार दिनों के बारे में जवाब जहाज से भागी थी जो मन समाएगा लिख दिया जाएगा। अगर बिना समझे बुझे लिख दिया जाएगा तो अखबार प्रेस में खो दिया जाएगा। मदारी लाल की सराय से निकलकर और किसी गरीब आदमी का मजाक उड़ाकर आपको घर वापस लौटने का क्या अधिकार था? मेरी मर्जी, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती, कोई जवाब नहीं देना चाहती। आपको जवाब देना होगा खूबसूरत भला। तमीज से बात कीजिए, अब मैं किसी और की बनने वाली हूँ। जानता हूँ, भगवान रक्षा करे सुमन। बात क्या है, क्या चाहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? सागर। पर मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अपना रुपया चाहता हूँ। रुपया? जी हाँ। यही इंसानियत है डैडी, ये जितना रुपया चाहे इन्हें दे दीजिए। बहुत अच्छा बेटी। ये लीजिए।
1,25,00,000 रुपया। मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? ये लीजिए, पढ़ लीजिएगा। मुसाफिर खाने का किराया 5 रुपए, टोपी और बैग गिरवी रखी 10 रुपए, बाराने की गाजरे मूलिया भुट्टे, बाराने की गाजरे मूलिया भुट्टे कुल 15 रुपए बाराने। जी हाँ, वो भी उसूल के लिए वसूल कर रहा हूँ, वरना कोई गरीब आदमी होता तो माफ कर देता। मानता हूँ खुदा बख्श, आदमी तेरे नजर आते हो। जी हाँ, देखा नहीं 4 दिन में कैसा सीधा कर दिया, जो आप 20 बरस में नहीं कर पाए। माफ कर दिया, माफ कर दिया, अभी आ चुका। तो फिर छोड़कर क्यों चला गया था? मैं चला गया था या तू चली गई थी? मैं तो शादी के लिए रुपए का इंतजाम करने गया था, तकिए के नीचे पर्चा छोड़ गया था, पड़ा था, आंखें हैं या बटन, जरा भी शर्म हो तो माफी मांग। तू माफी मांग? बाप का घर ना होता तो सूरत ही नाक तोड़ देता। अरे इसके बाप का नहीं, घर तेरा है, जमा दे जमा दे। सुमत बेटा, आज तूने मुझे डैडी नहीं कहा? डैडी, हमारी शादी का समय निकला जा रहा है। बेबी का नहीं, हाँ तुम्हारी शादी का समय निकल चुका है। क्या मतलब? मतलब ये कि बेबी गई कहाँ? अपने मन भावन के साथ।